नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे व्यूवर्स मुझे पूछ रहे कि भाई प्रो राइडर 1000 अगस्त्य चौहान की हुई सड़क दुर्घटना के बारे में कुछ बताए। भाई मैं सभी से विनती करता हूँ कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ना ही मैं इसका का एनालिसिस कर सकता हूँ। फिर भी कुछ, प्रो राइडर 1000 जब बाइक चला रहा था तो उसकी बाइक के स्पीडोमीटर में 200 से अधिक का स्पीड के फुटेज देखे और कुछ न्यूज चैनलों से पता चला कि अगस्त्य चौहान एक प्रो राइडर 1000 के नाम से यूट्यूबर था। उसके 12 लाख से भी अधिक यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स थे। उसके पास कवासाकी के आर 1022 लाख की रेसिंग मोटार बाइक थी और लास्ट वीक में एक 22 वर्षीय देहरादून का रहने वाला युवा अगस्त्य चौहाना, जो कि प्रो राइडर 1000 के नाम से जाना जाता था, उसकी यमुना एक्सप्रेसवे पर मोटर रन रेस में इंसिडेंट की वजह से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि राइडर का हेलमेट के परखच्चे उड़ गए। अबे यार, ट्रैफिक बहुत आ रहा है। थोड़ी ना यहाँ पे ना देख के बाहर ही बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना, अभी है तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे ना देख के चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना, वो भयंकर बिना इंडिकेटर दिए राइट लेफ्ट हो जाती है, तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा लेफ्ट होकर चलेंगे, बीच में नहीं चलेंगे, और अगर वहां पे कार है ना और यहाँ पे मैं हूँ तो 200 मीटर पहले ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे, फुल सेफ्टी। शुरू में यह एक ओवर स्पीड की वजह ही ये हादसा लग रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन से इसका घटना को हिट एंड रन के एंगल से देखा जा रहा है, ऐसा अगस्त्य की घर वालों का कहना है। बात जो भी हो, लेकिन इसका तो पुलिस छानबीन कर लेगी, परंतु आज ये ब्लॉग बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आप बाइक राइडर हैं तो हाईवे पर बाइक चलाते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। बाइक की मोटो ड्रैगिंग रेस करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग एक रोमांचक लेकिन खतरनाक खेल है और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना आवश्यक है। मोटरसाइकिल ड्रैग रेस में भाग लेते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा प्रोटेक्टिव गियर पहने, जैसे फुल फेस हेलमेट, लेदर जैकेट, ग्लव्स और बूट्स। दुर्घटना की स्थिति में ये गियर गंभीर चोटों को रोक सकता है। अपनी बाइक की जाँच करें। दौड़ में भाग लेने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी बाइक अच्छी स्थिति में है। टायर, ब्रेक और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की जांच करें। पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करें। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो दौड़ में भाग लेने से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण और अभ्यास प्राप्त करना सुनिश्चित करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि अपनी बाइक को कैसे संभालना है और ड्रैग रेसिंग नियमों से परिचित होना है। नियमों का पालन करें। ड्रैग रेसिंग इवेंट के नियमों और विनियमों का पालन करें। आरंभ करने की प्रक्रिया को जानें और स्टार्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतों से परिचित हों। अपनी गति पर नजर रखें, अपनी गति का ध्यान रखें और हमेशा अपनी लेन में रहें। गलियों के बीच बुनाई करके या खतरनाक स्टंट करके दिखावे की कोशिश न करें। अपने आसपास के प्रति जागरूक रहें, अन्य सवारों और दर्शकों पर नजर रखें। अपने आसपास के बारे में हमेशा जागरूक रहें और अन्य बाइक से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ध्यान केंद्रित रहें और दौड़ते समय अपने फोन का उपयोग करने या दूसरों से बात करने जैसे विकर्षणों से बचें। इन सावधानियों का पालन करके आप मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित और सुखद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलमेट की बैठिंग इतनी ढीली है, मुझे लग रहा उड़ना लाया बस ये।
200 के नीचे तो भाई मतलब मैं चला ही नहीं रहा हूँ, फुल पावर जा रहे हैं हम लोग। कोशिश है 299 का, अभी तक तो नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे में देख सकते हो भाई, ओहो ऑसम भाई ऑसम फील हो रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो गति लिमिट स्पीड लिमिट है 100, ठीक है। अपना बाइक में तो 300 ही उठेगा। तो गाइस अभी मोटर लोइंग सेटअप पे आप लोग एंजॉय करो स्पीड को, ठीक है। स्पीड थ्रिल्स होने वाला है, बैग उठ जाएगा भाई, उठ जाएगा कोई बात नहीं, बट आज 300 टच करके ही रहेंगे।